गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस तो आज मैं आपको कुछ गेमिंग न्यूज़ देने वाला, यानी गेमर्स की न्यूज़ नहीं, गेम की न्यूज़। तो आज बहुत सारी न्यूज़ नहीं, ये कुछ ही कुछ न्यूज़ है। तो आज के इस वीडियो में मैं वही न्यूज़ देने वाला हूँ, पबजी की, पबजी न्यू स्टेट, GTA 6 रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मैं ऐसे गेमिंग रिलेटेड कंटेंट्स लाता रहता हूँ। वैसे पहली न्यूज़ निकलती है पबजी न्यू स्टेट से। वैसे आपको पता है पबजी न्यू स्टेट का ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च हो गया है और रिलीज डेट भी बता दिया है। वैसे वो 11 नवंबर को रिलीज होएगा, 2021 को 11 नवंबर को रिलीज होएगा iOS और एंड्रॉयड दोनों में, 200 से ज़्यादा कंट्री में रिलीज होगा। अभी उसका सिर्फ एक फाइनल टेस्ट बाकी है, टेक्निकल टेस्ट, जो 29 या 30 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसमें 7 मैप्स होगा जिसमें हमारा पुराना एरेंगल भी मिला रहेगा। और इसमें कुछ AI और टेक्निकल एडवांस और बहुत सारे अच्छे रियलिस्टिक होगा। वो मतलब बहुत एडवांस मोबाइल गेम माना जा रहा है पबजी न्यू स्टेट को। और साथ में इसके 50 मिलियन से भी ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपने रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया मुझे ज़रूर बताना, और देखते हैं ये गेम कौन कौन खेलता है और किसको किसको गेम पसंद आता है। बस जो दूसरा न्यूज़ निकलते आता है रेसिडेंट ईविल का। बस रेसिडेंट ईविल का एक न्यू मूवी आ रहा है, वेलकम टू रकून सिटी, जो 24 नवंबर को रिलीज हो जाएगा। और गाइस ये सबसे अच्छा गेम है और इसका एक एनिमेटेड एडिशन भी नेटफ्लिक्स ने निकाला है गाइस। इसका नाम है रेसिडेंट ईविल इन्फिनिटी डार्कनेस, जो एनिमेशन है और एकदम अच्छे रियलिस्टिक है। और जो ये मूवी रिलीज हो रही है गेम के साथ, मतलब गेम के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, तो एकदम आप जाके देख सकते हो। 24 नवंबर को US में रिलीज होने वाली है रेसिडेंट ईविल वेलकम टू रकून सिटी, और इसका एनिमेटेड वर्जन नेटफ्लिक्स में रिलीज हो चुका है। तो गाइस तीसरे न्यूज़ निकल के आती है रॉकस्टार की तरफ से। तो गाइस रॉकस्टार गेम्स एक VFX आर्टिस्ट को ढूंढ रहा है जो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी तबाही मचा सकता है। तो ऐसे कुछ लीक्स आए तो सबको लग रहा है कि GTA 6 में शायद से स्काई स्कैपर बिल्डिंग्स या बहुत सारे डिस्ट्रक्शन के मिशन या बहुत कुछ होने वाला। आपका इसमें क्या राय मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आज की आखिरी न्यूज़ पे बढ़ते हैं गाइस। अगर आपको ये न्यूज़ वाला कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक मार दो कि, और कमेंट बता दो कि मैं और ऐसे गेमर्स की भी न्यूज़ लाऊं, इंडियन गेमर्स की जो अपने गेमर्स है। गाइस आज की लास्ट न्यूज़ पे बढ़ते, तो गाइस लास्ट न्यूज़ निकलती आती है माइनक्राफ्ट लाइव 2021। तो गाइस मोजैंग हर साल एक माइनक्राफ्ट लाइव करता है। तो आज मोजैंग ने बोला है कि एक न्यू मॉब आने वाला है जिसका नाम क्लेयर है, और बताया जा रहा है कि वो फ्रेंडली मॉब है, यानी कुछ हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ज़्यादा डार्क प्लेस में स्पॉन हो सकता है, तो ये प्लेयर के साथ ज़्यादा कर सकता है। तो मॉब इसका एक इवेंट निकाल गए जो वोटिंग में पता चलेगा 3 मॉब है कि अगर ये क्लेयर उसमें आता है कि नहीं। अगर क्लेयर आ गया तो इसके साथ बहुत सारे हॉस्टाइल मॉब्स आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मॉब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। आज के लिए इतना, मुझको पता है 4-5 मिनट का ही वीडियो बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और गाइस मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन, प्लेलिस्ट सब चेक करो कि मैं कौन से टाइप का कॉन्टेंट बनाता हूँ। अगर आपको और गेमिंग और गेम न्यूज़ चाहिए तो कमेंट में बता देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर तीनों में गाइस फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में 4 लाइक्स करो तो मैं अगला मैं गेमर्स का भी न्यूज़ ज़रूर लाएगा। ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।